सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे Xiaomi Mi 11 Ultra के बारे में। दोस्तों Mi 11 Ultra जो है BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है अपने मॉडल नंबर के साथ, स्पॉट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैक्स वाइनबैक जो कि काफ़ी ऑथेंटिक लीकस्टर माना जाता है, जिन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है Mi 11 Ultra बहुत जल्द आएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द Mi 11 Ultra लाइकली कमिंग इन द मार्च। एंड गाइज, साथ ही साथ Mi 11 Ultra का एक्चुअल रियल लाइफ वीडियोज एंड इमेजेस भी निकल के आ चुका है, इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में जो भी निकल के आ चुका है सब कुछ जानेंगे डिटेल में। आप लोगों को बस अंत तक बने रहना होगा। अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले मिल पाए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों से लाइक करके जाना एक इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। Xiaomi Mi 11 Ultra, इसका जो डिजाइन होगा ना, अगेन मैक्स वाइनबैक ने कंफर्म कर दिया है। जो इमेजेस लीक हुआ है Mi 11 Ultra के रिगार्डिंग, एग्जैक्टली आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगा एक्चुअल डिवाइस के साथ। Xiaomi Mi 11 Ultra यूरोपियन मार्केट के अंदर सबसे पहले लॉन्च होगा, फिर इसका ग्लोबल वेरिएंट एंड इंडियन वेरिएंट भी हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। दोस्तों Mi 11 Ultra इस फ़ोन को ना यूनिक बनाता है इसका यूनिक डिज़ाइन। बैक साइड में आपको जो कैमरा मॉड्यूल मिलता है इसके अंदर ही एक छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है 60Hz का, जो कि एज ए व्यू फाइंडर एंड टाइम नोटिफिकेशन के लिए काम पे आएगा। इसका एक्चुअल कुछ यूसेज नहीं है वैसे तो, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी यूनिक एक फीचर है Mi 11 Ultra के अंदर। सबसे पहले तो इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप जो है दिखने को मिल जाएगा ट्रिपल लेयर कैमरे के साथ। 50MP का ओमनीविजन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपको 50MP का मिलेगा। इसी के साथ आपको 120x का एक टेलीस्कोपिक जूम लेंस भी देखने को मिल जाता है। सो कैमरा खतरनाक आपको इस फोन के साथ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड के बारे में अगर बातें करेंगे तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है। QHD+ रेजोल्यूशन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक पंच होल डिस्प्ले डिजाइन, और यहाँ पे साथ ही साथ मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर AI अपस्केलिंग, HDR to HDR मैपिंग, MEMC का सपोर्ट। डिस्प्ले फ्लैगशिप ग्रेड फीचर के साथ आपको मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले दोस्तों Mi 11 Ultra के अंदर आप लोगों को दिखने को मिलेगा। अभी चलो बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे डिजिटल चैट स्टेशन के अकॉर्डिंग Mi 11 Ultra आने वाला है 5000mAh बैटरी के साथ, जहाँ पे आपको 67W का सुपर फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग एंड वायर्ड चार्जिंग दोनों ही 67W का दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है Mi 11 Ultra फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा एंड 12 to 256GB का इंटरनल स्टोरेज और रैम वेरिएंट जो है देखने को मिल जाता है। और ये सीधा सीधा कंपीट करेगा सैमसंग S21 अल्ट्रा एंड OnePlus के तरफ से आने वाला OnePlus 9 सीरीज को। दोस्तों Mi 11 अल्ट्रा लॉन्च हो सकता है लीक्स के अकॉर्डिंग मार्च एंड तक। एंड गाइस, साथ ही साथ यहाँ पे OnePlus का 9 सीरीज भी लॉन्च होगा मार्च के अंदर ही, कंफर्म हो चुका है। बाकी हम लोगों को वेट करना होगा प्राइसिंग जानने के लिए। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को क्या लगता है किस प्राइसिंग रेंज में लॉन्च हो सकता है Mi 11 अल्ट्रा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना थॉट अपना ओपिनियन मुझे शेयर करना। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड।